भैया नीट एग्जाम से 15 दिन में है, मैंने साल भर पढ़ा पर मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कुछ बताइए भैया प्लीज। देखो पहले तो तुम घबराओ मत, हर MBBS स्टूडेंट सेम फेज से गुजरता है, पर अब जो टाइम है, जो लास्ट का 15 डेज है, उसमें तुमको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। नो डाउट तुमने साल भर मेहनत किया होगा। मतलब चलो बताता हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदिल अहमद, आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। सो मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑफ इट, व्हाट टू डू इन द लास्ट 15 डेज ऑफ नीट एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में कोई आपको हाथी घोड़ा नहीं देने वाला हूँ, इट्स जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई हैव फॉलोड, विच माई सीनियर्स हैव फॉलोड, जो टिपिकल नीट एस्पिरेंट फॉलो करते हैं। मैं कोई अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं देने वाला हूँ और आई विल जस्ट ट्राई टू कीप इट रियलिस्टिक। और अगर टाइटल देख के किसी को लग रहा है कि मैं ऐसा टिप्स देने वाला हूँ कि 15 डेज में बिना पढ़े कुछ क्रैक कर लेंगे, सो प्लीज़ चली जाइए अभी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ उन्हें गाइड करने वाला हूँ जो साल भर जिन्होंने मेहनत किया है, एक्चुअली जिन्होंने मेहनत किया है, और जो अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। सो आई विल बी गिविंग टिप्स टू दोज स्टूडेंट्स, दोज एस्पिरेंट्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट ज़्यादा देना है या रिवीजन ज़्यादा करना है? सो अब बहुत लोग आपको बोलेंगे कि 30 मॉक टेस्ट दे दो, 40 मॉक टेस्ट दे दो, बट दैट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच मेरे तरफ से। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेग ओपिनियन कि 30-40 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर दो, 15 दिन से बाकी है, 20 मॉक टेस्ट भी आदमी सही से नहीं दे पाता है, 30 मॉक टेस्ट कहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ, डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ विथ अनरियलिस्टिक गोल्स, कीप योर गोल्स वेरी 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 रियलिस्टिक सो डैट यू कैन अचीव देम। अब अनरियलिस्टिक गोल्स रखने से क्या होता है ना कि यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। सो अपना गोल्स आप रियल रखिए, मतलब रियलिस्टिक रखिए, और रियलिस्टिक गोल्स अगर रखोगे तो यू कैन अचीव इट। अनरियलिस्टिक गोल्स अगर कुछ नहीं होगा कि मैं आज 20 मॉक टेस्ट दूंगा, मैं आज एक दिन में मैं 3 मॉक टेस्ट दूंगा, वो सब नहीं होगा। आपको मॉक टेस्ट जब आदमी देता है, डैट मॉक टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंस होता है कि मॉक टेस्ट में जो आदमी गलती करता है उससे फिर उसको एनालाइज करता है, और उसके बाद आदमी जाके उस गलती से सीखता है। तो ये होता है मॉक टेस्ट का मेन फंडा। मॉक टेस्ट सिर्फ देने से नहीं, मॉक टेस्ट का मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मॉक टेस्ट आप देते हो जस्ट टू एनालाइज कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आपको सुधरना है। सो आप अनरियलिस्टिक मॉक टेस्ट का गोल्स मत रखो, जस्ट कीप इट रियलिस्टिक। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आई विल से अप्रैल में 15 दिन का अगर मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ तो अप्रैल में अराउंड 8-9 दिन है और मई में 6 दिन है। तो अप्रैल में आप 5 से 7 मॉक टेस्ट, 5 तो आप दे ही सकते हो और मैक्स 7 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, उससे ज़्यादा अगर दे रहे हो तो आपका कैपेबिलिटी भी डिपेंड करता है। बट मई में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मैक्स टू मैक्स 3 मॉक टेस्ट दो, उससे ज़्यादा मत दो, क्योंकि मई मंथ में आपको आपके पास 6 दिन रहेगा और उसमें आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। उस वक्त मेरे हिसाब से जो मैंने अपने टाइम पे किया था, मैंने लास्ट वीक पे उतना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ कुछ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था और मैं मेनली फोकस कर रहा था रिवीजन पे। मॉक टेस्ट जितना दे सकते हो अप्रैल में देके मेजर मॉक टेस्ट ख़त्म करो, मई में उतना आप मॉक टेस्ट कर दिए, टाइम मत रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मॉक टेस्ट आप कहाँ से अटेम्प्ट करो? तो मेजरली स्टूडेंट जो है कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हुए होंगे, राइट? और वहाँ हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का अलग अलग मॉक टेस्ट भी चलता होगा, लेकिन आई विल सजेस्ट कि अभी आप सिर्फ 2 मॉक टेस्ट पे मेनली ध्यान दो, दैट इज़ आकाश एंड एलन। ये दोनों पे अगर आपके पास इसका, अगर आप इनका मॉक टेस्ट सब्सक्राइब किया हो, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपने नहीं भी किया है तो यू कैन गो ऑन टेलीग्राम, जस्ट सर्च आकाश टेस्ट सीरीज और एलन टेस्ट सीरीज, यू विल गेट इट। और इस टाइम पे आई विल सजेस्ट कि अगर आप आकाश का टेस्ट सीरीज दे रहे हो, डोंट स्विच टू एलन, और अगर आप एलन का दे रहे हो देन डोंट स्विच टू आकाश। मेरे टाइम पे आकाश वॉज बेटर फॉर मी। मैंने जब एलन का दिया तो उतने मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, बट आकाश का जब मैं देता था तो मुझे मेरा मार्क्स आता था और मुझे सही लगता था। तो अब वो टेस्ट सीरीज दो जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट एंड वेयर टू रिवाइज, क्या रिवाइज करना आपको? इतना सारा मटेरियल्स आपके पास, NCERT के नोट्स आपका होगा, खुद का नोट्स होगा, फार्मूला बुक्स होगा, या तो आपका खुद का या तो
मतलब एलेन आकाश का कुछ और बुक्स मैट वगैरह होगा, उसका फॉर्मूला बुक्स होगा, एरर बुक, मिस्टेक्स कॉपी अगर आपने बनाया है तो वो आपके पास होगा, मिनी नोट्स अगर आपने कोई मिनी नोट्स बनाया अपने दीवार पर बनाया तो वो सब होगा, माइंड मैप्स अगर आपने कोई माइंड मैप्स बनाया कहीं से डाउनलोड किया तो वो सब होगा, आपने एनसीईआरटी भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा होगा तो वो सब भी होगा, राइट। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में जो बहुत लोग भूल जाते हैं, डैट इज़ साइंटिस्ट एंड टाइमलाइन या इंपॉर्टेंट डेट्स। तो एनटीए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया था, चार टॉप ऑप्शन दे देगा साइंटिस्ट का नाम रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, आई एम गिविंग यू माइंड मैप्स ऑफ विपिन शर्मा सर, साइंटिस्ट एंड साइंटिस्ट का नेम एंड टाइमलाइन एंड इंपॉर्टेंट डेट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन डाउनलोड दोज, यू कैन इवन प्रिंट आउट दोज एंड स्टडी इन द लास्ट 15 डेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसको कितने बार पढ़ना है ये, मतलब अब इतना सारा है इसको कब किसको क्या कैसे पढ़ना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन टिक दिया, पर्पल टिक दिया, ब्लू टिक दिया। तो ग्रीन टिक वाला जो है जो कि फॉर्मूला बुक्स है, मिनी नोट्स, माइंड मैप्स एंड साइंटिस्ट एंड टाइमलाइन इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, इसे आप रोज़ सुबह या रात को देखो एंड बिफोर टेस्ट, इसको बिफोर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले इसको आप देख लो एक बार। और एक है एरर बुक, अगर आपने कोई एरर बुक बनाया है तो उसको एटलीस्ट डेली या अल्टरनेट डेज पे एक बार देख लो। और आपका जो एनसीईआरटी और नोट्स है या एक्स्ट्रा पॉइंट्स और एनसीईआरटी है, मतलब वो तो आपको करना ही करना है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम उसी में देना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही पढ़ोगे। अब जो है ना आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलना होगा कि आपको रिवाइज कैसे करना है, राइट। तो रिवीजन दो टाइप का होता है, एक ओवरव्यू वाला होता है, एक डीप होता है। ओवरव्यू मतलब आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं मान लो ये बुक है तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ मटेरियल, ओके तो ये हो गया ओवरव्यू। एक होता है डीप, डीप में आप हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ते हो, तो अब इतना टाइम बचा नहीं कि आप उस हर चीज़ को डीपली पढ़ पाओ, आपको पढ़ना होगा हर चीज़ ओवरव्यू करके, तो आपको हर चीज़ ऊपर ऊपर से पढ़ना होगा। और जहाँ पे आपको लग रहा है, जहाँ पे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, देन उस पार्ट को आपको डीपली पढ़ना होगा। ये सब में अप्लाई होगा, ये जो भी चीज़ है आपको सब चीज़ पहले ओवरव्यू पढ़ना है और उसके बाद आपको डीपली पढ़ना है, राइट। अब तीसरी चीज़, डोंट चेंज द सोर्स। अब लास्ट मोमेंट पे आप अपना सोर्स चेंज नहीं कर सकते हो, भले वो टेस्ट के लिए हो या लेक्चर्स के लिए हो। तो टेस्ट के लिए मैंने जैसे आपको उस वक्त बताया था, आप कोई भी फॉलो करो एलेन या आकाश, जस्ट फॉलो इट, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है जस्ट फॉलो इट, आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और लेक्चर्स में अभी आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ मिलेगा कि कंप्लीट ऑर्गेनिक इतना घंटा, कंप्लीट इनऑर्गेनिक इतना घंटा, तो आपको वो सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको अपने नोट्स पे रिलाई करना है। और कोई नया नोट्स या लेक्चर्स के लिए आपके पास टाइम नहीं है, कोई नया कोई एक्स वाई जेड कंपनी या कोई एक्स वाई जेड चैनल अगर कोई सीरीज़ निकाल रहा है कि 15 डेज नीट सिलेबस कंप्लीट, वो सब आपको फॉलो बिल्कुल नहीं करना, आपको सिर्फ अपना जो आप कर रहे हो वो करना है। चौथा पॉइंट पे आता है, फोकस ऑन व्हाट यू हैव, लिव व्हाट इज़ लेफ्ट। मतलब अब टाइम चला गया है कि अब आप कॉन्सेप्ट बनाओ अपना, अब आपको जो है अपना रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको रिकैपिचुलेशन पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब जितना होना था हो गया, जितना आपने पिछले महीने या पिछले साल में, जितना आपने एक साल में पढ़ा है, कॉन्सेप्ट बनाया है, वो कॉन्सेप्ट रहेगा। अब एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट अगर आप बनाओगे, अब मान लो आप कह रहे हो कि मेरा ईएमआई कंप्लीट नहीं है, तो अगर आप अभी ईएमआई पे टाइम दोगे तो आपका एक से दो दिन वहीं यहाँ वेस्ट हो जाएगा, तो आप उतना इम्पोर्टेंस मत दो, जो चीज़ छूट गया है वो छूट गया है, अब उसको इम्पोर्टेंस मत दो। सपोज़ आपको इतना सारा पता है, आपको इतना नहीं पता है, तो इतना के पीछे मत भागो, इतने के पीछे भागो, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली एग्ज़ाम में आएगा और आपको ज़्यादा आउटकम देगा। ये चीज़ मे बी आए मे बी नहीं आए, लेकिन अगर आप आउटकम उतना नहीं मिलेगा तो मेनली फोकस करो जो आप कर चुके हो उस पर फोकस करो। द गेम इज़ ऑफ कॉन्फिडेंस, डील विथ परफॉर्मेंस प्रेशर। तो यार अब जो है ना, गेम जो है कॉन्फिडेंस का है, आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है। आपने साल भर पढ़ लिया, आपने अच्छे से कर लिया, जो करना था आप कर लिए, लेकिन कितने लोग क्या होता है कि लास्ट में जो है वो फंबल कर जाते हैं कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, ये मैं अब नहीं कर पाऊँगा, तो वो लास्ट मोमेंट ब्रेक डाउन कर जाते हैं। डोंट ब्रेक डाउन इन द लास्ट मोमेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस प्रेशर को अपने अंदर एकदम मत आने दो, ट्राई टू स्टे काम एंड कंपोज्ड एज मच एज पॉसिबल, और नेगेटिव थॉट्स को एकदम जगह मत दो। नाउ हाउ कैन यू डील विद परफॉर्मेंस प्रेशर, ट्राई टू ईट हेल्दी एंड स्लीप वेल।
आई नो बहुत टफ होता है इस मोमेंट पे, बट यू नीड टू ईट हेल्दी, बिकॉज आप नहीं चाहोगे कि आप साल भर आप मेहनत किए और लास्ट मोमेंट में आपका तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओ या आपके एग्ज़ाम में आप एडिक्वेट परफॉर्मेंस नहीं दे पाओ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी एंड स्लीप वेल, अच्छे से सो, जितना आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप लगता है, चाहे आप 6 घंटा सोते हो, 8 घंटा सोते हो, जितना घंटा आप सोते हो उतना घंटा सो, अपने आप को अच्छे से नींद दो एंड ईट हेल्दी। एंग्जाइटी इज़ रियल आई नो। नाउ आपको एक बात समझना होगा, एवरी नीट एस्पिरेंट हु हैज़ क्रैक नीट एंड जॉइंड अ मेडिकल कॉलेज हैज़ गॉन थ्रू दिस फेज इन हिज लाइफ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यस, ये एनजाइटी होता है और आप जब तक इस एनजाइटी फेज को पार नहीं करोगे आप इसके आगे नहीं बढ़ोगे। सो यू नीड टू डील विथ इट एंड थिंक पॉजिटिवली। जैसे मैंने पहले ही बोला कि नेगेटिव बात एकदम दिमाग में मत लाने दो, जितना हो सके आप उतना पॉजिटिवली सोचो, क्योंकि जितना पॉजिटिवली सोचोगे उतना आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, उतना आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, उतने अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में, उतने अच्छे से आप रिवाइज कर पाओगे अपने एग्जाम्स, अपने सिलेबस को। और क्या सोचो ना, आप इतना नेगेटिव सोचते हो कि मे बी मेरे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो, मे बी मैं अपने फेवरेट कॉलेज या मे बी अपने मैं ड्रीम कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाऊँ, तो आप एक पल के लिए सोचो ना कि मे बी हो गया तो फिर क्या, अगर क्रैक हो गया तो क्या। थिंक पॉजिटिवली, वो आप वैसा थिंकिंग लाओ जिसमें आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, डोंट थिंक नेगेटिव, बिकॉज आप जैसा सोचते हो वैसा आउटकम आता है। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे आउटकम विल बी नेगेटिव, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे आउटकम विल इवेंचुअली बी पॉजिटिव। और लास्टली, जितना मैंने यहाँ पे टिप्स दिया है, स्ट्रेटजीज दिया है, यूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। ज़रूरी नहीं कि 100% इसको फॉलो करना है, आपका अपना हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना कैपेसिटी होता है, आप अपने हिसाब से देखो कि आपको कितना सही लग रहा है, कौन सा पार्ट सही लग रहा है। मैंने बताया अपने हिसाब से कि मैंने क्या किया था, सो यू कैन ट्विक दिस टिप्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, बिकॉज आप खुद भी इतने बड़े हो कि आपको समझ आना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सही है, क्या गलत है। आपको खुद से समझ आना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मेन स्टेप लेना होगा आपको। सो लास्टली, ऑल दी बेस्ट, लास्ट कुछ 15 दिन बचे हैं, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, ओके। एंड लास्टली, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल आदिल नीट UG, वहाँ पर आपको माइंड मैप्स और साइंटिस्ट और इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस मिल जाएगा। मैंने अपना मिनी नोट्स भी डाल दिया अगर आपको हेल्प करे तो। माइंड मैप्स अगर आपको नहीं पता, ये कुछ ऐसा होता है, ये विपिन शर्मा सर का माइंड मैप्स है जो मैंने अपने टाइम यूज़ किया था और आज भी ड्रॉअर पड़ा हुआ रहता है। सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी @AAdil पे मैसेज कर सकते हो। सो ऑल दी बेस्ट एवरी वन, यू कैन डू इट, एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर प्रिपरेशन, जस्ट बिलीव इन योर हार्ड वर्क, जस्ट लुक एट वट यू हैव डन द होल ईयर। अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली यू विल गेट द आउटकम फॉर इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर नीट एंड मेडिकल रिलेटेड कॉन्टेंट। थैंक यू।